वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास. आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कार्डियक साइकिल. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया. लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट. द ऑल्टरनेटिंग रिलैक्सेशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट मेक द कार्डियक साइकिल एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल makes one heartbeat and it takes about 0.8 seconds to complete one heartbeat. Beating of heart ko is 3D animation ke through understand kiya ja sakta hai. Heart mein maujood ye four chambers atria aur ventricles jab contract aur relax karte hain to yahi alternating contraction aur relaxation ke darmiyan maujood time duration ko cardiac cycle bola jata hai. Next dekhte hain steps of cardiac cycle. Number 1 कार्डिक डायस्टोल, नंबर 2 एट्रियल सिस्टोल एंड नंबर 3 इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज कार्डियक डायस्टोल. ड्यूरिंग दिस पीरियड हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द एट्रिया. इट लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड्स. ऐसा टाइम जिस वक्त पे हार्ट चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं और किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन हार्ट चैम्बर्स में नहीं होती, उस वक्त पे ब्लड हार्ट में फिल होता है. जैसे कि इस डायग्राम में इन एरोस के थ्रू पोजीशन ऑफ ब्लड को ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड हार्ट के इनसाइड मूव करता है और द हार्ट इज गेट फिल्ड विद द ब्लड कंप्लीटली. नंबर 2 इज द एट्रियल सिस्टोल. ड्यूरिंग सिस्टोल आफ्टर फिलिंग ऑफ एट्रिया बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टूवर्ड्स द वेंट्रिकल. इट लास्ट अबाउट 0.1 सेकेंड्स. सिस्टोल हेयर मीन्स द पंपिंग ऑफ ब्लड एंड एट्रियल सिस्टोल मीन्स जब हार्ट के ये दोनों एट्रिया ब्लड से फिल हो जाते हैं तो फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में इन दोनों एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है. एंड द लास्ट वन स्टेप इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी एंड लंग्स. इट लास्ट अबाउट 0.3 seconds. इस डायग्राम में हार्ट साइकिल के तीनों स्टेप्स कार्डियक डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ऑब्जर्व किया जा सकता है. वेंट्रिकुलर सिस्टोल हेयर मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टूवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त पे ब्लड को वेंट्रिकल्स से पंप करके पल्मोनरी ट्रंक में भेज दिया जाता है जहां से ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. सो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. आई एम गोइंग टू रिपीट द 3 स्टेप्स हियर इन दिस डायग्राम. इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन देयर इज कार्डियक डायस्टोल हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं और ब्लड बॉडी से हार्ट के इनर साइड पे मूव करता है एंड द एट्रिया ऑफ हार्ट दे गेट फिल्ड विद द ब्लड. Then second step that is called the atrial systole. जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड इन एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया जाता है. Then the last step that is ventricular systole. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त पे पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड को हार्ट से लंग्स और बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. सो ये पूरा साइकिल जस्ट 0.8 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है एंड दैट मेक्स द वन हार्ट बीट. कार्डियक डायस्टोल टेक्स 0.4 सेकेंड्स, एट्रियल सिस्टोल टेक्स 0.1 सेकेंड्स एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स 0.3 सेकेंड्स. सो ओवरऑल अगर इन सब स्टेप्स में इस टाइम ड्यूरेशन को प्लस किया जाए तो कलेक्टिवली हमारे पास 0.8 सेकेंड्स आते हैं. सो वन टाइम्स हार्ट 0.8 सेकेंड में बीट करता है. We can understand the 3 steps of cardiac cycle through this diagram. जिस टाइम पर ये एट्रिया रिलैक्स करेंगे they will get filled with the blood. और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पंप कर दिया जाएगा. देन जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स करते हैं. वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में ब्लड को इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू हार्ट के आउटसाइड यानी बॉडी और लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है. Next is the sound of heartbeat that is labbed up. When tricuspid and bicuspid valve close during the ventricular contraction, labbed sound is produced. And when ventricles relax, the semilunar valves close and dub sound is produced.
The sound of loved up can be heard with the help of a stethoscope. जैसे कि हमने इन तमाम valves को previous structure and function of heart वाले lecture में detail के साथ discuss किया, तो ये tricuspid और bicuspid valve ventricles की contraction के time पर जब close होते हैं तो लब की sound produce होती है। इसी तरह से ventricles की relaxation के time पर जब semilunar valves जो कि pulmonary trunk और aorta की base पे present होते हैं ये close होते हैं तो डब की साउंड प्रोड्यूस होती है। सो अल्टरनेटिवली इन वेल्व्स के क्लोज होने के रिजल्ट में लब और डब की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे कलेक्टिवली लब डब बोला जाता है। सो व्हेन अ पर्सन ऑब्जर्व द हार्ट बीट, इस साउंड ऑफ लब डब को स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जा सकता है। नेक्स्ट इज द हार्ट रेट। द हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जितनी दफा बीट करता है उसे हार्ट रेट बोलते हैं। नॉर्मल अगर हार्ट बीट की रेंज को देखा जाए, एट रेस्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज इन मेन द हार्ट बीट 70 टाइम्स पर मिनट, व्हाइल इन वुमेन द हार्ट बीट 75 टाइम्स पर मिनट। रेस्ट के टाइम पर या ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटीज के देखा जाए तो मेन में हार्ट पर मिनट 70 टाइम्स बीट करता है, जबकि वुमेन में पर मिनट के हिसाब से ये बीटिंग ऑफ हार्ट 75 टाइम्स होती है। मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? द हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड बाय फीलिंग द पल्स। नाउ व्हाट इज दिस पल्स? पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज फोर्स थ्रू इट बाय द रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। जब ब्लड इस आर्टरी से पास आउट करता है तो इस आर्टरी के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने के रिजल्ट में पल्स जनरेट होती है, दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। सो आर्टरी में इस रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करके हम हार्ट बीट के रेट को यहाँ पल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ एरियाज ऑफ पल्स। ह्यूमन बॉडी में ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इस पल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है? द पल्स कैन बी फेल्ट एट दोस एरियाज वेयर आर्टरी इज क्लोज टू द स्किन। बॉडी में ऐसे एरियाज जहाँ आर्टरी स्किन के क्लोज होती है उस जगह से पल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट एट दिस पॉइंट, देन नेक एंड ग्रोइन और टॉप एरियाज ऑफ द फुट। जैसे कि इस डायग्राम में आर्टरी को स्किन के क्लोज यहाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द पल्स कैन बी फेल्ट। सिमिलर लाइक फीट के भी टॉप एरियाज में इस पल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन ऑन द नेक एरियाज एट दिस पॉइंट ऑल्सो द पल्स कैन बी ऑब्जर्व। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।